हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है ब्लॉक कमेंटिंग, जो कि एक लिंक बिल्डिंग टेक्निक है एंड इट्स वेरी गुड इन जनरेटिंग ट्रैफिक एज वेल। तो गेस्ट ब्लॉग पोस्टिंग क्यों करते हैं? बेसिकली जैसे कि ये लिंक बिल्डिंग का पार्ट है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टू लिंक बिल्डिंग है, लेकिन अदर देन दैट इसके बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि इट हेल्प्स इन बिल्डिंग रिलेशनशिप। लाइक अगर आप किसी के ब्लॉग में जाके कमेंट करते हैं एंड रेगुलरली उस ब्लॉग पे विजिट करके अगर आप डिफरेंट टॉपिक्स में कमेंट करते हैं तो यू आर बिल्डिंग योर क्रेडिबिलिटी। सो पीपल मे वॉन्ट टू नो अबाउट यू द साइट यू आर रिलेटेड विद, तो उस साइट पे भी आप ट्रैफिक बढ़ा सकते हैं। सेकंड इज़ बेसिकली लिंक बिल्डिंग एंड थर्ड वन इज़ बेसिकली इफ़ यू हैव यू नो सिमिलर टॉपिक रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर वेबसाइट यू आर बिल्डिंग लिंक्स ऑन, तो आप अपनी वेबसाइट का भी लिंक उस पर्टिकुलर वेबसाइट में इन द फॉर्म ऑफ कमेंट जो भी आप कर रहे हैं रिलेटेड टू दैट पोस्ट, उस कमेंट के साथ अपना रिलेटेड पोस्ट का लिंक भी वहाँ पे पब्लिश कर सकते हैं। तो जो भी यूज़र और रीडर्स उस कंटेंट को रीड कर रहे हैं वो इफ़ दे सी योर लिंक दे प्रोबेबली कैन क्लिक एंड विजिट योर वेबसाइट, तो आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक भी बढ़ सकता है, आपकी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ती है, प्लस आप लिंक बिल्डिंग के लिए भी ब्लॉग कमेंटिंग यूज़ कर सकते हो। चलिए देखते हैं कि ब्लॉग कमेंटिंग कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद ब्लॉग कमेंटिंग। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगेन यहाँ पे रेलिवेंट साइट्स अकॉर्डिंग टू आर निश, तो वो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे। जैसे कि हमने गेस्ट ब्लॉग पोस्टिंग के लिए कुछ ऐसा कीवर्ड डाला था, राइट फॉर अस इन फ्रेज एंड देन आर कैटेगरी। तो आप देख रहे हैं कि जैसे बहुत सारी साइट्स आई हैं, तो इन्हीं में से कुछ साइट्स को ओपन करते हैं। पहला तरीका मैं ये बताऊंगा आपको, तो चलते हैं इन साइट्स पे। तो लाइक पहले तो हमने गेस्ट ब्लॉग पोस्टिंग के लिए करना था, तो हमने ब्लॉग की इंडेक्सिंग भी चेक करी थी, नंबर ऑफ वर्ड्स भी चेक करे थे, लिंक्स भी चेक करे थे। अभी लेकिन हमारा ऐसा कोई कंसर्न नहीं है, हम डायरेक्टली आर्टिकल्स पर जाएंगे। तो फर्स्ट साइट पर आते हैं, जैसे आप देखने कुछ आर्टिकल्स हाउ टू यूज वीडियोस इन ईमेल मार्केटिंग कैंपेन, तो 26 दिसंबर पर डला है ये, तो चलिए चेक करते हैं इसको। ब्लॉग कमेंटिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप आर्टिकल पढ़ें, अंडरस्टैंड करें, कुछ क्वेरी है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज दो ऑप्शंस रहते हैं बेसिकली यहाँ पे। आप आर्टिकल पढ़ के भी अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, और जो अदर रीडर्स ने अपनी क्वेरी पूछी हुई है उसको भी इफ़ यू नो द आंसर यू कैन यू नो आंसर देम एज वेल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चार चीज़ें दी हुई हैं, लीव अ रिप्लाई मींस कमेंट है ये, योर नेम, तो यहाँ पे बेसिकली हम कीवर्ड नहीं डाल सकते। कीवर्ड डालेंगे तो चांसेस हैं कि फिर वो अप्रूव नहीं करते वेबसाइट वाले, क्योंकि वो नेचुरल नहीं लगता वो चीज़। तो नेम में योर नेम, मेल में ईमेल आईडी, वेबसाइट्स के अंदर, अब हम क्योंकि लिंक बिल्डिंग कर रहे हैं तो ये ऑप्शन तो मस्ट है, ये हमें चाहिए। जहाँ पे ये ऑप्शन नहीं होगा वहाँ पे लिंक बिल्डिंग, यहाँ पे फिर दो चीज़ें हैं, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, वो हम आगे कवर करेंगे। कमेंट के अंदर हम अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं तो क्वेश्चन, अगर हम किसी को आंसर कर रहे हैं तो उसका आंसर करेंगे, ठीक है। तो दिस वे आप अपनी ब्लॉग कमेंटिंग कर सकते हो। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है कि जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि 26 दिसंबर से डला हुआ, लेकिन अभी तक कोई भी कमेंट नहीं है, तो चांसेस हैं कि मे बी शायद बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया होगा लेकिन इस साइट ने किसी का अप्रूव ही नहीं करा, तो चांसेस हैं कि मे बी शायद आपका भी अप्रूव ना हो, तो माइट बी आप करें और फिर बाद में अप्रूव ना हो, तो यू विल फील लाइक कि साइट में करा लेकिन वो अप्रूव ही नहीं हुआ या उन्होंने रिव्यू नहीं करा उसको, तो टाइम वेस्ट काइंड ऑफ लगता है यहाँ पे ऐसा करना। तो मेनली अगर आप जहाँ पे भी करें, अगर दिख रहा है आपको कि ऑलरेडी कुछ कमेंट्स डले हैं और लिंक्स भी हैं प्लस डू फॉलो भी है, तो वो थोड़ा सा फेवरेबल रहता है, तो आप पहली प्रायोरिटी उनको दे सकते हैं। चलो नेक्स्ट पे आगे देखते हैं, या पहले इसी साइट में कोई दूसरा आर्टिकल देखते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी उन ब्लॉग्स को देनी है जिसपे कमेंट्स ऑलरेडी डले। ओके, लाइक एक ही कमेंट है तो थोड़ा सा और पीछे आ जाते हैं। जीरो 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 जीरो, तो कमेंट वाइज ज़्यादा कमेंट्स नहीं है, तो कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट ब्लॉग पे चलते हैं। तो थोड़ा पुराने ब्लॉग पे जाएंगे सो दैट कि कुछ कमेंट्स मिले हमें उसमें। तो ये पूरा आर्टिकल हो गया आपका, और ओके, तो कमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है लेकिन
कमेंट्स के लिए प्लगइन डाला हुआ है इन्होंने डिस्कस। तो बेसिकली डिस्कस वाले में आप क्या करते हैं, बेसिकली पहले आप डिस्कस में एक प्रोफाइल बनाते हैं, कहीं पे भी अगर आप कमेंट करेंगे और जहाँ पे ये डिस्कस वाला ऑप्शन होगा तो वो जो आपका यूआरएल आपकी प्रोफाइल में वो है, तो आप मतलब कोई चाहे तो आपकी क्लिक करेगा डिस्कस की प्रोफाइल में जाएगा, वहाँ से आपकी वेबसाइट में आ सकता है। तो काइंड ऑफ डिस्कस वाला जो ऑप्शन है उसमें हम उसको अगर अभी अवॉइड करें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उससे वो लिंक बिल्डिंग उस पर लिंक बिल्डिंग करने से लिंक यूज नहीं मिलता हमें, तो वो चीज़ हम इग्नोर कर सकते हैं अभी। तो जहाँ पे डिस्कस होगा, एक और प्लगइन है जो लोग यूज़ करते हैं जिसका नाम है कमेंट लव, उसकी हम आगे बात करेंगे। तो जैसे बहुत सारे आर्टिकल्स डले हुए हैं यहाँ पे, बहुत पुराना हो गया ये, 31 अक्टूबर रिसेंट आर्टिकल जो लास्ट डला है वो नवंबर 7 पे, तो काफ़ी पुराना आर्टिकल डला हुआ, तो अपडेट नहीं हुई है साइट। तो चलिए चेक करते हैं इस पे कुछ कमेंट्स हैं या नहीं। ओके, तो कमेंट तो नहीं है लेकिन कमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है। तो अगेन प्रॉब्लम इज सेम कि कोई भी कमेंट नहीं दिख रहा, तो मे बी हम भी डालेंगे तो मे बी शायद वो रिव्यू ना करें या अप्रूव ना करें, तो देयर मे बी अ चांस ऑफ ईदर ऑफ वन। तो अभी इसको भी इग्नोर कर सकते हैं हम। नेक्स्ट साइट पे आते हैं, थोड़े से पुराने आर्टिकल पे जाएंगे। ओके, देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कमेंट का ऑप्शन नहीं दिया हुआ, तो वी कैन इग्नोर दिस साइट एज वेल। तो वापस आते हैं, तो एक तरीका तो ये है कि जैसे हमने गेस्ट ब्लॉग पोस्टिंग के लिए साइज़ ढूंढी थी और डिफरेंट पैरामीटर्स पे उस वेबसाइट को चेक किया, तो वो चीज़ें यहाँ पे नहीं करनी, लेकिन साइट्स कुड बी द सेम। तो उन्हीं साइट्स पे आप चाहें तो गेस्ट ब्लॉग पोस्टिंग के साथ साथ आप ब्लॉग कमेंटिंग भी कर सकते हैं। तो बेसिकली साइट्स ढूंढी आपने, एक बार काम आ गई आपके, दो बार, एक बार गेस्ट ब्लॉग पोस्टिंग के लिए, दूसरी बार ब्लॉग कमेंटिंग के लिए। लाइक जैसे आपको पता है कि अगर इफ़ यू आर कॉन्टैक्टिंग, यू नो, इफ़ यू आर सर्चिंग 100 वेबसाइट्स डेली, तो उसमें से जो पैरामीटर्स फाइंड करने के बाद बचती हैं वो 20 बचती हैं, देन आप उसको कॉन्टैक्ट करते हो, अप्रोच करते हो, आर्टिकल सबमिट करते हो, टाइटल्स देते हो, वो सब चीज़ें करते हैं, तो बेसिकली इन द एंड एक दो साइट्स ही होती हैं जो आपका आर्टिकल अप्रूव करती है। तो लाइक आउट ऑफ 100 साइट्स 20 बची, 20 में से फिर 2 में ही अप्रूव हुआ, तो काइंड ऑफ देखा जाए तो 98 साइट्स ऐसी थी जो क्वालिटी वाइज ओके थी, ओके, लेकिन मे बी उतना फ्रिक्वेंटली आर्टिकल नहीं डाल रहे थे तो इसलिए हमने डाला नहीं, हमें नो फॉलो दे रहे थे इसलिए हमने डाला नहीं, लेकिन उन सब साइट्स को हम चाहें तो ब्लॉग कमेंटिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो अगेन हमें एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, तो उसी एफर्ट को जो हम पहले कर चुके हैं इस ब्लॉग पोस्टिंग में उसको हम रीयूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दूसरा कोई कीवर्ड डाल के दिखाता हूँ आपको। तो जैसे अभी मैं बात कर रहा था कमेंट लव की, जो कि हमें एक डू फॉलो लिंक देते हैं, तो कमेंट लव एक वर्डप्रेस का प्लगइन है, तो जो भी ज़्यादातर जो ब्लॉग्स होते हैं वो वर्डप्रेस में ही बने होते हैं, तो हम कमेंट लव डाल के डायरेक्टली वो साइट्स फेच कर सकते हैं जहाँ पे कमेंट लव प्लगइन इनेबल्ड हो। तो कमेंट लव लिखेंगे और आगे जो भी अपनी कैटेगरी चाहिए हमें उसको भी एग्जैक्टली ऐसे फ्रेज में लिख सकते हैं, कोड्स में, सॉरी, कमेंट लव एज अ कमेंटर, देर इज वन अनदर एक्सपेक्ट टू कमेंट लव फॉर SEO, दैट्स यूजिंग इट एज अ कमेंटर व्हेन यू हैव द प्लग इन, इट गिव्स यू एडिड फीचर्स व्हेन यू आर कमेंटिंग ऑन द ब्लॉग्स ऑफ अदर यूजर्स हु ऑल्सो यूज द प्लग इन, यू कैन यूज सम ऑफ द फीचर्स टू योर एडवांटेज। तो ठीक है, तो चलो देखते हैं एक बार। वैसे तो आप देखने की मैसिव लिस्ट है, लेकिन हमें अपनी निश के चाहिए, तो वो एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। कमेंट लव SEO, ओके, तो काफ़ी सारे आर्टिकल आ रहे हैं बेसिकली, तो चलिए खोल के देखते हैं। मैसिव लिस्ट ऑफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, चलो चेक कर दें पहले, लेट्स चेक इट आउट। यहाँ से स्टार्ट होगा, आर्टिकल डाला हुआ ये पूरा एक, और कमेंट बॉक्स,
नॉर्मल कमेंट बॉक्स है, कमेंट लव के ऊपर कोई आर्टिकल लिखा हुआ है इन्होंने, दैट्स व्हाई इट्स शोइंग ऑन गूगल विद कमेंट लव कीवर्ड। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी एक आर्टिकल है, देखते हैं कि कमेंट बॉक्स है या नहीं। कमेंट बॉक्स तो है लेकिन कमेंट लव नहीं है, कमेंट लव होता तो स्पेसिफिकली लिखा हुआ होता, तो ये भी कमेंट लव नहीं है। बट साइट्स आर ओके, ऑल द साइट्स आर ओके, इस साइट पे भी देख लेते हैं। लाइक दिस इज बेसिकली अ कमेंट लव प्लग इन इंस्टॉल्ड इन दिस वेबसाइट, तो चेकआउट करते हैं। तो बेसिकली जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि लिंक्स तो ही मिल रहे हैं यहाँ पे, लेकिन जो लिंक्स हैं वो नो फॉलो है, दैट मीन्स लिंक यूज़ तो नहीं मिलेगा। माइट बी यू गेट सम ट्रैफिक फ्रॉम हेयर टू योर वेबसाइट, सो वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो लिंक लेने के जैसे आप देख रहे हैं दो तरीके हैं, लाइक जैसे इस पार्ट को बोलते हैं जैसे नेम, नेम फील्ड। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ नेम, तो ये जो स्वाधीन अग्रवाल लिखा ये नेम है, ईमेल आईडी यहाँ पे शोकेस नहीं हो रहा, ईमेल आईडी। वेबसाइट जो आप यहाँ पे आप देख रहे हैं लिंक लगा हुआ है digitalgyd.com, तो वो वेबसाइट में आता है। एंड देन जो भी कमेंट है, हाय निया ग्लैड यू लाइक डिट समथिंग समथिंग समथिंग, वो यहाँ पे आएगा। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने वेबसाइट ऑप्शन में जो URL डाला था वो नेम में एज ए एंकर टेक्स्ट बन गया, और जो इन्होंने बॉडी में दिया हुआ है वो यहाँ पे दे सकते हैं। तो काइंड ऑफ टू लिंक्स यू कैन गिव हेयर, वन इन द नेम सेक्शन जो कि आपका एंकर बन जाएगा, और दूसरा जो है आप वो बॉडी में दे सकते हैं। और बॉडी में भी अच्छी चीज़ जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे वो ये है कि बॉडी में भी आपको एंकर लिंक मिल रहा है, अदरवाइज बहुत सारी साइट जो हैं वो टेक्स्ट लिंक देती हैं। तो मैं दिखाता हूँ आपको टेक्स्ट लिंक क्या होता है, चलो नेक्स्ट साइट पर चलते हैं। बहुत सारे कमेंट्स हैं यहाँ पे भी देख लेते हैं। ओके, नॉर्मल कमेंट बॉक्स, बट जैसे हम लिंक बिल्डिंग के लिए आए हैं यहाँ पे, तो हमें दिख रहा है कि एक वेबसाइट का ऑप्शन दिया हुआ, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। कमेंट लव वाले में वापस आते हैं, कमेंट लव COMENTLUV, तो चेक करते हैं एक बार कीवर्ड में हमने क्या डाला था। कमेंट लव तो स्पेस दे देते हैं यहाँ पे, कमेंट लव SEO चेक करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ एट्थ नाइन्थ। क्योंकि जैसे कि हम ब्लॉग कमेंटिंग कर रहे हैं, तो ब्लॉग जो होते हैं वो पहले ही एक निश पे बेस्ड होते हैं। तो अगर मैं कमेंट लव साइट्स की लिस्ट यहाँ से गूगल से पिक करूँगा 250 और 500, तो इन सब में मुझे अपने निश को फाइंड करना पड़ेगा। तो आई एम ट्राइंग कि मुझे डायरेक्टली अपने निश की साइट्स मिल जाए। जैसे मैंने डाला तो कीवर्ड था SEO, लेकिन ये मुझे साइट यहाँ पे ले आया है समथिंग, ओके 50+ ट्रैवल ब्लॉग्स विद कमेंट लव, ओके तो ट्रैवल से रिलेटेड साइट्स दी हुई हैं, ओके ठीक है। अगेन बहुत सारे कमेंट्स हैं, लिंक भी मिल रहा है लेकिन नो फॉलो। तो जो अपने बिजनेस वेबसाइट के लिए करेगा उसके लिए ये ऑप्शन बेटर है, लेकिन जिसका ब्लॉग है वो चाहे तो बॉडी में मींस कमेंट सेक्शन में भी अपना लिंक डाल सकता है, लेकिन बहुत सारी साइट्स आपको यहाँ पे एंकर नहीं देंगी, यहाँ पे यूजुअली डलता है टेक्स्ट लिंक। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे अगर डला हुआ तो आपको दिखा देता हूँ। इस साइट में कमेंट सेक्शन में अभी तक नहीं दिखा किसी का, जैसे कि आप देख सकते हैं ये लिंक डला हुआ है, लेकिन ये टेक्स्ट लिंक बोलते हैं इसको, ठीक है ना। जब कीवर्ड पे लिंक होता है तो उसको एंकर लिंक बोलते हैं, तो एंकर लिंक चाहिए तो वो यहाँ से बन सकता है, और जो टेक्स्ट लिंक है वो आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हो। लेकिन मैं जैसे देख पा रहा हूँ कि दोनों ही नो फॉलो है, तो ये कैसे पता चल रहा है कि नो फॉलो है। मैंने एक प्लगइन लगाया हुआ है जिसका नाम क्या है, एक क्रोम में एक्सटेंशन लगाया हुआ है,
विद अ नेम नो फॉलो. ओके, तो नो फॉलो एक्टिव करते ही जितने भी लिंक्स पेज पे नो फॉलो होते हैं वहाँ पे ये डॉटेड बाउंड्री आ जाती है, जैसे ही पता चल जाता है कि ये लिंक डू फॉलो है या नो फॉलो है. सो दैट बेनिफिट ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सटेंशन इज कि हमें बैक एंड पे नहीं जाना पड़ता, सोर्स कोड में जाके नहीं चेक करना पड़ता डू फॉलो है कि नो फॉलो है. अगेन अ लिंक आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपने ब्लॉग को यहाँ पे प्रमोट किया है. तो मेन अगर कोई ब्लॉग है तो एंकर में लिंक से ज़्यादा बेटर रहता है कि आप टेक्स्ट लिंक डालें, क्योंकि टेक्स्ट लिंक जो है वहाँ पे आप URL से थोड़ा इंट्यूटिव हो जाता है कि आर्टिकल किस चीज़ के बारे में लिखा हुआ है. और अब चाहे नो फॉलो है लेकिन ट्रैफिक बहुत अच्छा मिलेगा यहाँ से. अब ब्लॉग को अगर कोई प्रमोट कर रहा है तो वो कैसे कर सकता है? लाइक सपोज जैसे हम किसी आर्टिकल पे जाते हैं तो आर्टिकल से रिलेटेड जो आर्टिकल आप देख रहे हैं कमेंट ब्लॉग कमेंटिंग की साइट पे, अगर उससे रिलेटेड या उसके आगे जो फर्दर डिस्कशन है उसके ऊपर आर्टिकल ऑलरेडी आपने अपनी वेबसाइट में डाला हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली आप उस आर्टिकल पे जाके ब्लॉग कमेंटिंग साइट्स की नीचे कमेंट सेक्शन में आप उसके आगे फर्दर थोड़ी सी डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट का लिंक वहाँ पे दे सकते हैं एज अ फर्दर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. तो ऐसे लिंक कभी भी साइट ना रिजेक्ट नहीं करती हैं. तो आप दो फायदा हो गया उससे, एक तो आपका लिंक बन गया, ओके पॉपुलैरिटी बढ़ गई आपकी, अगर डू फॉलो है तो और भी ज़्यादा बढ़ी है, अदरवाइज़ ज़्यादातर आपको नो फॉलो ही मिलेगा. तो एक तो पॉपुलैरिटी में हेल्प करेगा, दूसरा लिंक जो उसको मिलेगा नहीं क्योंकि नो फॉलो है, और तीसरा कहाँ फ़ायदा करेगा आपका ट्रैफिक में. तो अगर आप ब्लॉग का लिंक शेयर करते हैं बहुत सारी ब्लॉग कमेंटिंग साइट्स पे उस आर्टिकल के नीचे जो आपके ब्लॉग से रिलेटेड है, तो जो ऑडियंस वो ब्लॉग पढ़ रही है माइट बी वो आपकी साइट पे भी उसमें से कुछ परसेंटेज ऑफ ऑडियंस विजिट कर सकती है. तो उससे आपकी वेबसाइट में भी एंगेजमेंट बढ़ेगी और मे बी फर्दर जिसको भी सर्च करना है या कुछ भी टॉपिक ढूंढना है तो मे बी शायद आपकी वेबसाइट को वो बुकमार्क भी कर सकते हैं या रेगुलरली विजिट भी कर सकते हैं अगर उनको कुछ अच्छी वैल्यूएबल इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन मिलेगी आपकी वेबसाइट में. तो ब्लॉग कमेंटिंग इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट, बट पहले दो चीज़ें देखनी है कि आपकी बिज़नेस वेबसाइट है या ब्लॉग है. बिज़नेस वेबसाइट है तो आप यूजली लिंक कहाँ बिल्ड करोगे? फॉर बिजनेस वेबसाइट आपको कमेंट सेक्शन के अंदर लीव अ रिप्लाई के अंदर आपको वेबसाइट का ऑप्शन चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे अपना नाम देंगे या बिजनेस नेम देंगे, कीवर्ड नहीं देंगे क्योंकि आप देख सकते हैं कि किसी ने भी कीवर्ड नहीं डाला हुआ. बहुत सारे लोगों ने अपना नाम डाला हुआ और माइट बी जैसे डेजर्ट सफारी डाला, तो डेजर्ट सफारी में भी अब जैसे आप देख सकते हैं सनसेट डेजर्ट सफारी, तो डेजर्ट सफारी काइंड ऑफ एक नेम भी है और काइंड ऑफ बिजनेस जैसा भी लग रहा है. दुबई SEO तो myride.ee तो इन्होंने काइंड ऑफ कीवर्ड लिया हुआ है, लेकिन ऐसे ब्रॉड कीवर्ड तो चल जाते हैं. लेकिन अगर किसी का कीवर्ड है SEO सर्विसेज इन दिल्ली, तो SEO सर्विसेज इन दिल्ली माइट बी वो अप्रूव नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत स्पेसिफिक कीवर्ड है. ब्रॉड क्योंकि समवर्ट ब्रांड जैसे भी लगते हैं सुनने में कभी कभी, ठीक है ना, इसलिए वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कभी कभी, लेकिन एक स्पेसिफिक कीवर्ड नहीं करेंगे. तो अगर आप बिजनेस में डील कर रहे हैं तो आप अपना ब्रॉड कीवर्ड है तो नेम में डाल सकते हैं, अपना ब्रांड नेम में डाल सकते हो या अपना खुद का नाम भी नेम पे डाल सकते हैं. ईमेल आईडी लिखेंगे, वेबसाइट जिसकी लिंक बिल्डिंग करना चाहते हैं वो वेब पेज का URL यहाँ पे आएगा. और जब आप इसको पोस्ट कमेंट करेंगे तो ये जो आपका नाम में जो भी लिखा है आपने तीनों में से कोई भी एक चीज़, अपना ब्रांड नेम, ब्रॉड कीवर्ड और योर नेम, तो वो एंकर टेक्स्ट बन जाएगा और जो भी आप कमेंट में लिखेंगे वो यहाँ पे एज अ मैसेज आ जाएगा. तो एक तो तरीका ये हो गया. अब सपोज बहुत सारी साइट्स ऐसी हैं जिसमें वेबसाइट का ऑप्शन ही नहीं होता, तो मे बी बहुत सारे लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वो लोग उसको यूज़ कर सकते हैं जिनके पास ब्लॉग है उनकी वेबसाइट में. तो लाइक ये आर्टिकल सपोज, चलो मैं किसी और साइट में जाके दिखाता हूँ आपको. सपोज इज़ द कमेंट लव ब्लॉग प्लग इन स्टिल यूजफुल फॉर SEO. तो जैसे कि यहाँ पे कुछ बात हो रही है और आप जैसे कि देख सकते हैं क्लियरली कि यहाँ पे वेबसाइट का ऑप्शन दिया ही नहीं हुआ, मैं नेम ईमेल एंड कमेंट का ऑप्शन दिया हुआ. तो ऐसी साइट की हम बात कर रहे थे अभी. तो अगर इस आर्टिकल से रिलेटेड कोई आर्टिकल ऑलरेडी हमारी साइट में है, जैसे मेरी साइट में एक ब्लॉग कमेंट लव की जो वेबसाइट्स होती हैं उसकी एक लिस्ट डली हुई है, तो मैं अपना नाम ओके अब जैसे मैं कीवर्ड तो नहीं दे सकता हूँ, आई कैन नॉट राइट जैसे मेरी साइट एक्सपर्ट SEO ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो वो तो काइंड ऑफ एक्सपर्ट इज़ माई ब्रांड एंड SEO ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो वो बहुत कीवर्ड थोड़ा सा स्पेसिफिक जाता है, तो वैसा भी अलाउ नहीं करेंगे. तो आई कैन सिंपली राइट माई नेम उदित खन्ना, देन ईमेल में अपना ईमेल आईडी लिखेंगे और यहाँ पे इनिशिएट करेंगे डिस्कशन रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक ऑन कमेंट लव. और उसके बाद अपनी वेबसाइट का जो कमेंट लव का हमारा टॉपिक है
उसका जो यूआरएल है वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे। मे बी साइट ओनर जो है ऑफ ब्लॉग प्रोज डॉट कॉम उसको रिजेक्ट ना करें, क्योंकि तो उन्हीं की ऑडियंस के लिए, उन्हीं के जो एग्जिस्टिंग रीडर्स हैं उन्हीं के लिए मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, तो जिनके ब्लॉग्स हैं वो वहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे वेबसाइट का ऑप्शन नहीं है। लेकिन इफ़ यू वांट टू बिल्ड लिंक्स फॉर योर बिजनेस वेबसाइट तो यू रियली नीड अ ऑप्शन ऑफ वेबसाइट इन द कमेंट सेक्शन, लाइक नेम, ईमेल, वेबसाइट एंड कमेंट। बट इफ़ यू हैव अ ब्लॉग और वेबसाइट का ऑप्शन नहीं भी मिलता तो आप स्टिल कर सकते हैं डायरेक्टली अपना टेक्स्ट लिंक कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपको ट्रैफिक भी मिलेगा और लिंक पॉपुलैरिटी भी मिलेगी। ऑल दो लिंक जो नहीं मिलेगा जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि वो साइट आपको कमेंट सेक्शन में हमेशा नो फॉलो ही मिलता है। चांसेस हैं कि अगर आप वेबसाइट का ऑप्शन में डालो तो वो आपको डू फॉलो भी मिल सकता है, लेकिन कमेंट सेक्शन के अंदर हमेशा नो फॉलो लिंक मिलेगा। तो ट्राई कीजिए कि जो जिस भी साइट पर आप ब्लॉग कमेंटिंग कर रहे हैं उससे रिलेटेड आर्टिकल हो आपके पास, तभी आप कमेंट सेक्शन में उसका यूआरएल दे पाएंगे। अगर वो रेलिवेंट हुआ तो ये सारे कमेंट्स जो होते हैं पहले रिव्यू में जाते हैं, मॉडरेट करते हैं उसको साइट ओनर्स। तो अगर वो लगेगा कि इररेलिवेंट दिया हुआ है, जो साइट के रीडर्स हैं उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं, मतलब दिखाया कुछ और है लेके किसी और इररेलिवेंट साइट पे जा रहे हैं, तो वो सब चीज़ें नहीं चलती, उससे इग्नोर होगा, यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम अगर आप ऐसी चीज़ें करेंगे। तो मेक श्योर जो साइट है वो आपकी निश की होनी चाहिए। अगर आप अपनी वेबसाइट का लिंक देना चाहते हैं बिजनेस वेबसाइट का, तो आपको वेबसाइट का ऑप्शन चाहिए ही चाहिए। अदरवाइज़ अगर आपका ब्लॉग है तो आप यू कैन यूज़ बोथ टाइप्स ऑफ वेबसाइट, जिसमें वेबसाइट का ऑप्शन है भी और जिसमें वेबसाइट का ऑप्शन नहीं भी है। तो दिस वे आप ब्लॉग कमेंटिंग कर सकते हैं अपनी। तो जैसे कि आप अपना नाम डालेंगे, यूआरएल डालेंगे, ठीक है, तो जो भी आपने कमेंट लिखना है वो डालेंगे। और जैसे कि मैं बात कर रहा था कि मेरी वेबसाइट पर अगर कमेंट लव से रिलेटेड कोई आर्टिकल है तो वो भी मैं डाल सकता हूँ। कैसे डालेंगे वो मैं दिखा रहा हूँ भी आपको, लाइक दिस इज़ माई वेबसाइट एक्सपर्ट एसईओ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डॉट इन स्लैश ब्लॉग स्लैश कमेंट लव ब्लॉग लिस्ट। तो ये जो जैसे मेरा यूआरएल है, तो जब भी मैं इस साइट पे जैसे कर रहा हूँ तो आई विल राइट समथिंग अबाउट कमेंट लव फर्स्ट, हेलो फ्रेंड्स, देन माई मैसेज, एंड आफ्टर दैट आई कैन सिंपली पुट माई लिंक। मिलेगा तो नो फॉलो, लेकिन जो भी आर्टिकल पढ़ के कमेंट चेकआउट कर रहा है, जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि कमेंट ज़्यादा भी नहीं है, तो चांसेस हैं कि लोग देख सकते हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ पे कि किसी को भी लिंक नहीं दिया हुआ नेम सेक्शन में, तो नेम सेक्शन में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि नीचे वेबसाइट का ऑप्शन ही नहीं है। और दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि ये जो लोग कमेंट कर रहे हैं, नितिन सेजन हमारा है, ऑप्शन तो मैं इसका पहले एक सेकेंड, यहाँ से कमेंट स्टार्ट हो रहे हैं, तो लेट मी चेक द ऑथर, केनी नोवाक, ओके। जो भी ब्लॉग कमेंटिंग कर रहा है, अब जैसे आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा कमेंट किसी ने किया, चांसेस आर कि ये कहीं और से कॉपी पेस्ट करा हुआ है, लेकिन उससे डुप्लीकेसी की प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि ये एक बेसिकली कम्युनिटी एक्टिविटी है। तो कम्युनिटी में आप एक दूसरे की इंफॉर्मेशन से हेल्प करते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन चाहे वो खुद लिखे चाहे वो किसी से कॉपी पेस्ट करे, तो साइट पर उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता, ठीक है। तो लिंक नहीं दिख रहा मुझे, तो वही जैसे मैंने पहले बताया था कि जहाँ पे कमेंट्स हो वहाँ पे तो करो, लेकिन कमेंट्स के बीच में लिंक्स भी होने चाहिए, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि मे बी आप भी करोगे तो आपका भी अप्रूव कर देंगे। अदरवाइज यू नो यू विल फील लाइक यू आर वेस्टिंग योर टाइम यू नो डूइंग दिस कमेंटिंग ऑन दिस पर्टिकुलर वेबसाइट। और पर्टिकुलरली एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि जब भी आप किसी साइट पर ब्लॉग कमेंटिंग करते हैं, तो जैसे इसके लिए भी हम चाहें तो एक डेटाबेस टाइप बना सकते हैं। तो जैसे कि मैं बता देता हूँ कैसे बनाना है आपको ये डेटाबेस, तो अगेन सीरियल नंबर से स्टार्ट करेंगे, देन वेबसाइट जिस पे भी आप ब्लॉग कमेंटिंग करेंगे, ठीक है, पोजीशन ऑफ लिंक, ओके, एंड जो कमेंट बॉक्स है वो टाइप ऑफ कमेंट बॉक्स लाइक डिस्कस है, कमेंट लव है और नॉर्मल है,
तो ऐसा कुछ लिख सकते हैं। पोजीशन में हम लिख सकते हैं कि नेम पे है और कमेंट के अंदर मिल रहा है आपको, ठीक है, तो ये चीज़ लिख सकते हैं। नंबर ऑफ लिंक्स अगर दोनों जगह पे मिल रहा है तो टू, अदरवाइज वन, ठीक है। अगर नेम पे मिल रहा है तो डू फॉलो है कि नो फॉलो है, वो चीज़ हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। एग्जिस्टिंग कमेंट्स कितने हैं उस पर, तो आप लिख सकते हैं 0, 10, 20, 100, 150, वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है। एग्जिस्टिंग लिंक्स जिस भी आप साइट पे कर रहे हैं कि उस पर किसी को पहले लिंक दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, तो वो चीज़ येस और नो में देख सकते हैं। एग्जिस्टिंग येस और नो, वो चीज़ मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। एग्जिस्टिंग कमेंट्स किसी में 10 होंगे, किसी में 50 होंगे, किसी में 100 होंगे, वो चीज़। किसी में डू फॉलो होगा, किसी में नो फॉलो होगा, वो भी चीज़। नंबर ऑफ किसी में 1 होंगे, किसी में 2 होंगे, किसी में अगेन 1 होगा, तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद रिमार्क्स, उसके बाद कमेंट, मतलब जो भी कमेंट आपने किया मेक श्योर वो आप लिख लें, क्योंकि अगर उसने जैसे आपने पहले डन किया फिर आपने कुछ दिन के बाद जाके चेक किया तो तब भी नहीं आया वहाँ पे, तो पहले आपने डन किया, उसके बाद सपोज़ आपने उसकी डेट लिख ली, फिर आपने उसको चेक किया, तो अगेन मैं डेट डाल सकता हूँ यहाँ पे। अगर दोबारा डेट डाली, डेट स्टेटस लिखते हैं पहले फिर डेट लिखते हैं, तो स्टेटस में जैसे लिखेंगे स्टिल पेंडिंग, सपोज़ आज डेट है 6 February 2019 और स्टिल पेंडिंग आपने सपोज़ एक हफ्ते बाद चेक किया, तो सपोज़ 13/02/2019 तो स्टिल पेंडिंग आया, तो फिर आपने स्टेटस चेक किया, फिर डेट डाली, फिर आपने एक हफ्ते बाद चेक किया सपोज़ 20 February 2019, पेंडिंग आ रहा है तब भी, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसको रीयूज़ कर सकते हैं किसी और वेबसाइट पे, क्योंकि उस वेबसाइट ने तो उसको लाइव ही नहीं करा, तो वो कंटेंट की डुप्लीकेसी कभी होगी नहीं। तो आप जो आपने एफर्ट किया था लिखने में, सपोज़ आपने 100 words 150 words लिखे थे, अच्छे से एक्सप्लेन किया था किसी चीज़ को, और वो अभी तक किसी वेबसाइट ने उसको रिव्यू नहीं करा, अप्रूव नहीं करा, तो आप उसको रीयूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कमेंट लिखा हुआ होगा तभी तो कर पाएंगे, अदरवाइज़ फिर वही एफर्ट लगाना पड़ेगा आपको लिखने का। तो दिस वे आप अपनी एक लिस्ट बना सकते हैं जिसमें आप हर चीज़ मेंटेन करेंगे, डेट वाइज, स्टेटस वाइज, और जब उसको रीयूज़ करेंगे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं डन तो किया था लेकिन फिर आपने उसको रीयूज़ कर लिया कहीं और, बिकॉज लास्ट तक स्टेटस क्या था उसका, पेंडिंग था। तो दिस वे आप अपनी ब्लॉग कमेंटिंग कर सकते हैं। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।